हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिग्बो की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए रेसिपी चालू करते हैं बनाना फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं ले ली हूँ हरी मिर्च और ये हरा लहसुन लिए हैं। ठंडियों में बहुत ही बढ़िया ये हरा लहसुन जो है मिलता है, पत्ती वाले, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये मैंने हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप छोटा मोटा या पतला कोई भी ले सकती हैं इस अचार को बनाने के लिए। तो आज मैं लहसुन और मिर्ची की अचार बनाऊंगी आपके साथ, और बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला ये अचार रेसिपी है। तो सबसे पहले हमें एक बड़ा प्लेट ले लेना है, और लहसुन को जो है, देखिए आपको दिखाते हैं कैसे करना है। वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और लहसुन को लेकर अब हमें इसे जो ऊपर का भाग है इसे निकाल देंगे लहसुन का, और इसके छोटे छोटे हम टुकड़े कर लेते हैं। इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे। तो सारे लहसुन को हम फटाफट ऐसे ही कट कर लेते हैं सारे लहसुन को। तो यहाँ पे देखिए, लहसुन को, सारे लहसुन को मैंने कट कर लिया है। अब हरी मिर्च को हमें ऐसे ही दो दो भाग कर लेना है, इतना बड़ा बड़ा हम कर लेंगे सारे मिर्च को। बहुत बड़ा मिर्च है तो तीन टुकड़े कर लेंगे, वरना दो दो टुकड़े सही है। तो सारे मिर्च को भी कट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मिर्च को भी और लहसुन को भी हमने कट कर लिया है। अब आगे कैसे बनाना है आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे जार, और इसमें जो है मिर्च को डालते हैं सारा एक बार, हमें नहीं करना है। अब लहसुन को भी ले लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक बार में नहीं करना है। और अब इसे हम चला लेते हैं मिक्सर जार में। बहुत इसे बस हल्का सा हम दरदरा कर लेंगे, और दरदरा करने के बहुत ज़्यादा मिक्सी नहीं चलाना है, सिर्फ एक बार ही हमें इसे चलाना है। फटाक से करते हैं। तो देखिए, बस ऐसा ही हमें करना है, जैसे कि बिल्कुल भी बारीक भी ना हो, और ये बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए बिल्कुल आराम से हम इसे एक बर्तन में, बाउल आप कोई भी ले लीजिए, और उसमें हम उस बाउल में निकाल देते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे से सिर्फ एक बार या दो बार बीच बीच में हम मिक्सी को बंद करते हुए चलाएंगे। तो ऐसे ही हम सारे को कर लेते हैं तैयार। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने सारे को जो है ऐसे, इसमें आप पीसते समय एक बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। बिना पानी का हमें जो है इसे ऐसे ही मिक्सी जार में डाल के और इसे तैयार कर लेना है। तो अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं अमचूर पाउडर, देखिए यहाँ पे ये अमचूर पाउडर है, तो अमचूर पाउडर को डाल देते हैं। तो अमचूर पाउडर हमारा लगभग तीन चम्मच है, तो तीन चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर। और टेस्ट अनुसार इसमें नमक जरा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि आप कोई भी अचार बनाते होंगे तो नमक की मात्रा थोड़ा अधिक होती है, क्योंकि मिर्च भी है तो मिर्च में नमक थोड़ा अधिक लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक से डेढ़ चम्मच के लगभग हमने नमक डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए यहाँ पे एक चम्मच से भी आधा चम्मच के लगभग हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे तेल, तो तेल यहाँ पे हम डाल रहे हैं सरसों का, तो आपको हम चम्मच से दिखाते हैं। ये देखिए एक चम्मच,
और एक चम्मच और डालेंगे, बस इससे ज्यादा हमें तेल तो का जरूरत। इसी के साथ फ्रेंड्स अब इसमें हम अदरक को भी कद्दूकस करके डाल देंगे। आप चाहे तो मिक्सर जार में जिस समय इसे पीस रहे हैं उसी समय अदरक को भी पीस सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अदरक को, अदरक से इसका टेस्ट और दोगुना बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए अदरक को भी मैंने नहीं है। अब इसे सारे को हमें अच्छे से मिला लेना है, सारे मसाले को हम इसमें अच्छे से बिल्कुल मिला लेंगे। इसमें बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इस समय सर्दियों में हरा लहसुन, हरी मिर्ची भी बहुत ही अच्छी अच्छी मिल रही है, तो इस अचार को आप लोग भी बनाइए। और एक बार अगर आपने बना लिया ना तो इसे बार बार आप बनाना चाहेंगे और बार बार इसे आप खाना चाहेंगे। ये इतना टेस्टी लगता है, यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है ये, और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। आप लोग देख सकती हैं बहुत ही कम सामान के, इसमें कोई भी ज़्यादा सामान जरूरत नहीं है, बस आपको अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह पे आम का अचार भी डाल सकती हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि अमचूर पाउडर के बिना आप नहीं बनाएंगे, आप बिना अमचूर पाउडर के भी आप इसके जगह पे आम का अचार इस्तेमाल कर लीजिए। और बस ये बस इतने सामानों से बनकर ये तैयार है। और इसे हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए हम धूप में दिखा देंगे। अचार आप कोई भी बनाइए तो इसे हल्का सा धूप में दिखाना जरूरी होता है, इससे नमक जो हम डालते हैं नमक अच्छे से मिल जाते हैं और ये जो है इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, गल जाता है। तो ये फटाफट बन के तैयार है कुचला हमारा। ये देखिए कुचला जो है लहसुन मिर्ची का कुचला, इसे हम लोग कुचला बोलते हैं। आप लोग जो भी बोलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हैं इसे। और आप लोगों को फ्रेंड्स अगर मेरी ये अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख सके। तो आज की रेसिपी यहीं पे बंद करते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की रेसिपी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए और आप मेरी रेसिपी को सबसे पहले देख सके। तब तक के लिए बाय बाय।